एक तरफ नरेंद्र मोदी की आर्मी तैयार हो गई है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेताओं का संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात का दौर भी जारी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह नागपुर पहुंच चुके हैं। कल बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी संघ प्रमुख से मुलाकात की थी। सूत्रों की माने तो रविवार को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी संघ प्रमुख से मिलने नागपुर के लिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि कल लालकृष्ण आडवाणी ने लौटते वक्त कहा था कि सर संघ चालक के साथ हुई चर्चा देश की राजनीति में परिवर्तन और नई दिशा देने वाली साबित होगी। अब देखना यही होगा कि राजनाथ सिंह मोहन भागवत से मुलाकात के बाद क्या कुछ कहते हैं। इस वक्त हमारे राजनीतिक संपादक मनीष अवस्थी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, नागपुर पहुंच चुके हैं राजनाथ सिंह, एजेंडा क्या होगा, किस तरह की बातचीत हो सकती है इनकी? देखिए, नागपुर पहुंच चुके हैं और नागपुर हवाई अड्डे से सीधे वो महल स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय अभी कुछ ही देर बाद पहुंच जाएंगे और उसके बाद जो कार्यक्रम है और जो जानकारी इंडिया न्यूज को सूत्रों के हवाले से मिली है वो ये है कि लगभग दो घंटे तक ये बैठक चलेगी जिसमें तमाम मुद्दों पर, वो तमाम मुद्दे जो कि लालकृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के साथ संघ प्रमुख और भैया जी जोशी और संघ के दूसरे आलाकमान के नेताओं ने बातचीत की थी, उस पर विस्तृत चर्चा होगी और उसका एक खाका तैयार होगा कि आखिर बीजेपी किस अंदाज में, किस रुख के साथ आगे बढ़ेगी। और इसके साथ साथ जैसे ही राजनाथ नागपुर हवाई अड्डे पहुंचे उन्होंने कहा कि राम मंदिर निश्चित बनेगा और वो हमारी अस्मिता का मुद्दा है। तो संदेश साफ है कि सीधे तौर पर हिंदुत्व की बात नहीं होगी, मंदिर की बात नहीं होगी, लेकिन हां, राष्ट्रवाद की बात के जरिए रहेगी इस चुनाव के दौरान भी, जिससे कि वो ये आरोप के तहत आरोप न झेले कि बीजेपी वो सारे मुद्दों को पीछे रखकर केवल राजनीति करना जान गई है और राजनीति करने के लिए वो इन सारे मुद्दों को अछूत मानती है। और इसके साथ साथ जो जानकारी है, जुलाई बैठक जो होनी है संघ की तीन दिन की अमरावती में, उसमें देश भर के लगभग 250 प्रचारक, ये वो प्रचारक होते हैं प्रांत प्रचारक जो कि सबसे अहम भूमिका निभाते हैं इन चुनावों में, इन्हीं तीन नेताओं से बात कर, जैसे कि मोदी का अभी पूरे तौर यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि मोदी कल नागपुर पहुंचेंगे या नहीं, लेकिन खबर जरूर है कि मोदी भी आ सकते हैं, लेकिन इन तीनों नेताओं से जो बातचीत हुई है, तीन दिन की जो बातचीत का सार होगा, यही मोहन भागवत, यही सर कार्यवाह भैया जी जोशी और संघ के सह सर कार्यवाह जो चार हैं, कन्नन हैं, आपका सुरेश सोनी हैं, गोपाल कृष्ण हैं और दत्तात्रेय होसबले, ये सारे लोग इन प्रचारकों के सामने इन सारी रणनीति को रखेंगे कि आखिर बीजेपी को और भगवे को दिल्ली पर कैसे फहराना है। मनीष, कल मुलाकात के बाद लालकृष्ण आडवाणी जब मीडिया से बातचीत की थी उन्होंने कहा था कि सर संघ चालक से मुलाकात के बाद ये जो बातचीत है वो भारत की राजनीति में नई दिशा देने वाली साबित होगी, और यहां पर सीधे सीधे इस बात को तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि राजनीतिक दखल कहीं ना कहीं है और इस वक्त भी जिस तरह से नेताओं की मुलाकात का दौर चल रहा है उससे तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाती है। बहरहाल, लगातार पिछले तीन दिनों में जो कुछ चल रहा है उसे किस तरह से देखा जाए, क्या 2014 के मिशन को लेकर गतिविधियां काफी तेजी से आगे बढ़ाना चाह रही है बीजेपी? देखिए चित्रा, ये तो पहली बार ही देखने में आया था, जैसा कि मैं इसके पहले भी कह चुका हूं कि पहली बार बीजेपी के इतने बड़े कद के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने इस बात की पुष्टि की कि हां, चुनावी रणनीति को लेकर संघ प्रमुख और भैया जी जोशी के साथ बातचीत हुई है। तो ये अपने आप में एक आडवाणी की ओर से बड़ा खुलासा था कि संघ खुद राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय है और मिशन 2014 और आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर संघ कितना संजीदगी के साथ बीजेपी को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहता है और रिश्तों में जो एक बार बार मेल मिलाप का सिलसिला बना रहा है ये भी जताना चाहता है कि संघ बीजेपी के साथ खड़ा है और बीजेपी को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि जो संघ का कैडर है वो बीजेपी के लिए काम करेगा या नहीं करेगा। लेकिन इसके पहले अपरोक्ष रूप से बात की जाती थी कि संघ बीजेपी के पीछे है, बीजेपी के नेता नकारते रहते थे कि राजनीति में हमारे पर संघ का कोई कंट्रोल नहीं, संघ की कोई पकड़ नहीं, संघ हमें बताता नहीं, हम तो केवल वैचारिक और बौद्धिक बातें होती थी। लेकिन इस बार जो बात लालकृष्ण आडवाणी ने कही है, मुझे ऐसा लगता है कि ये पहली बार बीजेपी के इतने बड़े कद के नेता ने इस बात का खुलासा किया कि हां, सक्रिय राजनीति में संघ की बीजेपी में अहम भूमिका है। और जिस तरह से मुलाकातों का दौर चल रहा है वो इस बात को और ज्यादा पुख्ता कर देती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए।